नमस्ते, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, आज जो सवाल पूछा गया है थोड़ा सा हटके है, और जो जवाब मैंने अपने क्लाइंट को दिया, मैं चाहता हूं कि वो जवाब मैं आपको भी दूं। तो सवाल कुछ इस तरह से था कि हाउ टू मेक बेस्ट टाइम टेबल। हमारा 24 आवर्स का टाइम टेबल हम बेहतरीन कैसे बना सकें, ये सवाल था। ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में आज भी रहता है, और जब हम स्टडीज कर रहे थे तब भी रहता था, और इसका जवाब अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका जवाब जो मैंने मेरे क्लाइंट को दिया है और जो मैंने समझा है, मैं चाहता हूं कि वो जवाब मैं आपके सामने रखूं। उस जवाब तक पहुंचने से पहले हमें एक चीज इमेजिन करनी होगी, और वो है हमारा बचपन। हमारे बचपन में हम कितनी बार एक ही चीज को एंजॉय करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं दूध। शुरुआत हमने की थी प्लेन दूध के साथ। कितने दिनों तक हम उस प्लेन दूध को पीते रहे, और हम सभी उसके गवाह हैं कि हमने उस प्लेन दूध को मना करना शुरू कर दिया था कि मैं दूध नहीं पीऊंगी। और इसी के साथ साथ हमारे लाइफ में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, इन तरह के अलग अलग फ्लेवर्स आ गए, जिन फ्लेवर्स का इस्तेमाल करके हमने हमारे दूध पीने वाली हैबिट को कंटिन्यू रखा। अगर ये सब कुछ नहीं होते, अलग अलग फ्लेवर्स नहीं होते, तो शायद हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। और इस चीज़ को आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक ही तरह की ड्रेस अगर आप रोज़ाना पहन के जाएंगे तो कितनी बार आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। एक ही तरह का स्मेल आपको हमेशा आ रहा है, रोज आ रहा है, कितनी बार आप उस स्मेल को एंजॉय करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से जो हमारा टाइम टेबल है वो भी मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टास्क। अब यहां पर मुझे मालूम है मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि टास्क का मिक्सचर मतलब क्या। आपने मूसली खाई है, उसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के ग्रेन्स होते हैं, ओट्स होते हैं, और उन सबको मिला करके वो बनाई जाती है, ताकि वो सारे जो उसके अंदर के प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं, वो सब हमें मिल सके, हमारी बॉडी को उसका फायदा हो सके। उसी तरह का एक मिक्सचर हमें हमारे शेड्यूल में बनाना है, और जब वो मिक्सचर परफेक्ट बन जाएगा तब मैं कहूँगा कि परफेक्ट टाइम टेबल आपका बन चुका है, और वो टाइम टेबल आपको परफेक्ट डे, ऐसा दिन जो आपके ख्वाबों में है, वो आपको देने के लिए काम आ सकता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से कुल 6 तरह के अलग अलग टास्क हमारे शेड्यूल में होने चाहिए। सबसे पहला टास्क जो हमारे शेड्यूल में होना चाहिए वो है रेगुलर टास्क, जो आप रोजाना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा ब्रश करना। ब्रश करना एक रेगुलर टास्क है, हम रोजाना करते हैं। इस तरह के और भी टास्क होंगे जो रेगुलर है और रोजाना करना ही है, उन्हें हम कहेंगे रेगुलर टास्क। तो उन टास्क के लिए हमारे शेड्यूल में जगह होनी चाहिए। दूसरा टास्क, ऐसा टास्क जो आपको करना बहुत पसंद है, जैसे मेरे लिए आपसे बात करना, टाइम मैनेजमेंट की कोचिंग करना, सॉल्यूशंस पर काम करना, सभी के क्वेश्चंस को दूर करना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं रोजाना एवरी 24 आवर्स हर दिन मैं ऐसा एक काम करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो आप सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप करना पसंद करते हैं, उस काम को आपके शेड्यूल में लाना जरूरी है, चाहे वो 15 मिनट के लिए हो, एक घंटे के लिए हो, या पूरा दिन हो, लेकिन ऐसे टास्क जो आपको करना पसंद है वो आपके शेड्यूल के पार्ट बनने चाहिए। नंबर 3, टास्क विथ चैलेंजेस, ऐसे काम जिनमें आपको लगना चाहिए ये होगा कि नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डर आपके मन में आना चाहिए कि ये करूंगा या नहीं करूंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये आपके मन में जब डर आ जाता है उसे मैं कहता हूं चैलेंज, और वैसे चैलेंजेस आपको रोजाना लेने हैं। जैसे मेरे लाइफ में मैं ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूं। मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि टेक्सटाइल बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के साथ साथ मैं BNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल में इन्वॉल्व हूँ, और उसमें भी मैं चैलेंजेस लेता रहता हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था तब मैंने क्या क्या किया, और क्या उसमें मैं और कर सकता हूँ, कौन सा नया काम एड ऑन कर सकता हूँ, कौन सा नया चैलेंज ले सकता हूँ, और उन सभी चैलेंजेस को लेते हुए
उन्हें पूरा करना ये एक आदत बन जानी चाहिए। तो जो चैलेंजेस हैं वो आपके टास्क में होने चाहिए। अगर चैलेंज नहीं है और दिन भर आप वही रोजाना के रोजमर्रा के काम करके दिन को पूरा कर रहे हो तो आप खुद कहेंगे यार क्या लाइफ है, और आपको कहना चाहिए वाह क्या लाइफ है जब आप चैलेंजेस को पूरा करेंगे। चौथा आपके शेड्यूल में होना चाहिए वो है लर्निंग। आपके पास पूरे 24 आवर्स में भले ही 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट क्यों ना हो, आप कुछ नया सीखेंगे, इस पर आप काम करते हैं। जब तक आप कुछ नया रोजाना नहीं सीखते हैं तब तक आने वाले चैलेंजेस का सामना करने की ताकत हमारे पास नहीं आती। तो आपके शेड्यूल में लर्निंग का काम, न्यू लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो हमारे शेड्यूल में होना चाहिए वो है एंटरटेनमेंट। जी हाँ, काम 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 और सिर्फ काम, ये हमारी लाइफ नहीं होनी चाहिए। हम लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपको पसंद है, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो बैठिए 15 मिनट के लिए गाना सुनिए, आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखिए, लेकिन रोजाना आपका एंटरटेनमेंट वाला पार्ट आपके शेड्यूल में होना चाहिए। छठा और लास्ट टाइम जो आपके शेड्यूल में विदाउट फेल होना चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, वो है रिलैक्सेशन। रात को हम सोते हैं वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन दिन भर में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको रिलैक्स कर सकती है? इट कैन बी पावर नैप। 15 मिनट का पावर नैप आपको लेना है, आपके शेड्यूल में लेना है, वो आपको रिलैक्स कर सकता है। इट कैन बी ए टॉकिंग टू अ फ्रेंड। मैं जब किसी दोस्त से बात करता हूँ या बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई फील रिलैक्स। तो आपको वो टास्क आपके शेड्यूल में लेना चाहिए। पर्पस सिर्फ इतना है कि उस टास्क को करने के बाद आप रिलैक्स फील करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो हमें एक्टिव रखने में मदद करता है। तो मैं फिर से एक बार ये 6 टास्क आपके सामने दोहराता हूं, ताकि इन 6 टास्क को आप आपके शेड्यूल में इंक्लूड कर सकें। सबसे पहला टास्क रेगुलर टास्क, दूसरा टास्क द टास्क यू लाइक मोस्ट जो आपको बहुत पसंद है, तीसरा चैलेंजिंग टास्क, एक काम ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो, चौथा एंटरटेनमेंट टास्क, पांचवा लर्निंग समथिंग न्यू, और छठा रिलैक्सेशन। जब आपका पूरा दिन इस एक मिक्सचर के साथ बनेगा तब आप डेफिनेटली ये कहेंगे वाह क्या लाइफ है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कहने के लिए मुमकिन है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं रोजाना कम से कम 15 से 20 पेज पढ़ता हूं, और रोजाना एक सीरीज, चाहे वो 20 30 या 40 मिनट की हो, एक सीरीज मैं रोजाना देखता हूं, और विदाउट फेल ये काम पूरे करते हुए मैं अपने दिन को एंजॉय करता हूं। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इन सब का मिक्सचर ही आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल है। थैंक यू, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।